ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा दे 17/5/2021 दे महावचन प्यारे बाप दादा ने अपने बच्चियां नू कहा, मिठे बच्चे बाप आए हन तुहानू बच्चियां नू अपने समान महिमा लायक बनाउण दे लई बाप दी जो महिमा है ओ हुण तुसी धारण कर दे हो। प्रश्न है, भक्ति मार्ग विच परमात्मा माशुक नू पूरा ना जानदे होए भी केड़े शब्द बहुत प्यार नाल बोलदे अते याद करदे हन? उत्तर है, बहुत प्यार नाल कहंदे अते याद करदे हन कि हे माशुक, तुसी जदों आओगे तां असी सिर्फ तुहानू ही याद करांगे अते सब तो बुद्धि योग तोड़ के तुहाडे नाल ही जोड़ांगे। हुण बाप कहंदे हन, मैं आया हाँ तां देही अभिमानी बनो। तुहाडा पहला फर्ज है प्यार नाल बाप नू याद करना। ओम शांति। मिठे मिठे जीव दियां आत्मावां नू परम पिता परमात्मा जिसने हुण शरीर लोन ते लिया है बैठ के समझाउंदे हन कि मैं सधारण बुढ़े तन विच आउंदा हाँ, आके तुहानू बच्चियां नू पढ़ाउंदा हाँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चियां नू ही समझाउणगे, जरूर मुख द्वारा ही समझाउणगे। अते किसनू समझाउणगे? कहंदे हन, बच्चे तुसी मैनू भक्ति मार्ग विच बुलाउंदे हो, हे पतित पावन आओ, खास भारत अते दुनिया विच आम सबनू बुलाउंदे हो, सब बुलाउंदे हो, भारत ही पावन सी, बाकी सब शांति धाम विच सी। बच्चियां नू इह समृति विच रखना चाहिदा है कि सतयुग त्रेता किसनों कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसनों कहा जाता है, उस विच कौन कौन राज करदे सी, तुहाडी बुद्धि विच पूरी नॉलेज है। जिमें बाप नू रचना दे आदि मध अंत दा ज्ञान है, इसे तरह तुहाडी बुद्धि विच भी है। बाप जो ज्ञान दिंदे हन ओ बच्चियां विच भी जरूर होना चाहिदा है। बाप आके बच्चियां नू आप समान बनाउंदे हन। जिन्नी बाप दी महिमा है ओनी बच्चियां दी भी है। बाप ने बच्चियां नू ज्यादा महिमावान बनाया है। हमेशा समझो कि शिव बाबा इन्ना द्वारा समझा रहे हैं, माना ब्रह्मा बाबा द्वारा समझा रहे हैं। आत्मा ही एक दो नाल गल कर दी है, परंतु मनुख देह अभिमानी होण दे कारण समझते कि फलाना पढ़ाउंदा है। असल विच कर दी ता सब कुछ आत्मा ही है ना, आत्मा ही पार्ट बजाउंदी है। देही अभिमानी बनना है, कड़ी कड़ी मना बार बार अपने नू आत्मा समझना है। जदों तक आत्मा नहीं समझोगे ता बाप नू याद नहीं कर सकोगे, भुल जांदे हो। तुहानू पुछया जांदा किस दे बच्चे हो, ता कहंदे हो असीं बाबा दे हां। बाबा कह रहे कि फिर पुछया जांदा तुहाडा बाप कौन है, ता झट दे दे बाप दा नाम दसणगे। अच्छा हुण देही दे बाप दा नाम दसो, ता कोई श्री कृष्ण दा नाम, कोई हनुमान लिखणगे, या ता कोई लिखणगे कि असी जानदे ही नहीं। अरे लौकिक बाप नू जानदे हो, पर लौकिक बाप जिसनों तुसी दुख दे विच याद करदे आए कि तुसी उसनों नहीं जानदे? कहंदे भी हन, हे भगवान रहम करो, हे भगवान बच्चा दो, मंगदे हो ना। हुण बाप बिल्कुल सहज गल दसदे, तुसी दे अभिमान विच बहुत रहंदे हो, इसलिए बाप दे वरसे दा नशा नहीं चढ़दा। बाप कहंदे हन,
कि बच्चे मैं ता पतियां दा भी पति, बापां दा भी बाप हाँ। सब बाप भगवान नू याद कर दे, आत्मा वा याद कर दिया हन। बेशक कहंदे भी हन कि पिरकुटी दे विच मना मस्तक दे विच चमकदा अजब सितारा, परंतु ये बिना समझ तो इस तरह ही कह दिंदे हन। रहस्य ता कुछ भी नहीं पता। तुसी अपने नू आत्मा नहीं जानदे ता आत्मा दे बाप नू किवें जानोगे। दीदार ता हुंदा है भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग विच पूजा लई बड़ा बड़ा लिंग बनाउंदे। बाबा कह रहे कि अगर लिंग नू बिंदी रूप रखणगे तां कुछ समझ नहीं सकदे। ए बड़ियां महीन माना बरीकी दियां गल्लां हन। परमात्मा जिसनू अखंड ज्योति स्वरूप कहंदे, मनुख कहंदे उस दा कोई वड्डा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति नू परमात्मा कहंदे। दुनिया विच किसे नू भी पता नहीं कि परमात्मा दा असल रूप बिंदी है। किता उलझ गए हन ना। बच्चे कहंदे हन बाबा किस नू याद करिए, असी ता सुनिया कि वो वड्डा लिंग है, उस नू याद किता जांदा है, पर बिंदी नू किवें याद करिए। बाबा अगे दस रहे कि अरे तुसी भी ता आत्मा बिंदी हो ना, बाप भी बिंदी है। आत्मा नू बुलाउंदे हो ता जरूर इत्थे ही आके बैठणगे ना। भक्ति मार्ग विच जो साक्षात्कार आदि हुंदा ओ सब भक्ति मार्ग है। बाप हुण समझाउंदे बच्चे, तुसी इस तरह मत समझो कि असी कोई अनेक साल जिउणा है। हुण बच्चे समा बहुत नज़दीक आउंदा जांदा है। निश्चय रखना है कि बाबा नू ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी ही है। बाबा ने बाप खुद कहंदे हन मैं इस द्वारा तुहानू सृष्टि दे आदि मध अंत दा राज दसदा हाँ। ये किसे नू भी पता नहीं कि विष्णु कौन है। तुसी जानदे हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही, फिर विष्णु दे दो रूप लक्ष्मी नारायण पालना करदे हन। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु अर्थात स्वर्गपुरी, विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग दी पालना करनगे, स्वर्ग विच फिर पालना करनगे। ताड़ी बुद्धि विच आना चाहिदा है कि बाप ज्ञान दा सागर है, मनुख सृष्टि दा बीज रूप है। बाप दा ए तंदा है पतित तो पावन बनाउणा, ओही तुहाडा तंदा भी है। सबनू ए लक्ष्य दवो कि शिव बाबा कहंदे हन मैनू याद करो। गीता विच कृष्ण भगवान वाच उल्टा लिख दिता, तुहानू समझाउणा है कि परमात्मा तां निराकार पुनर्जन्म रहित है। यही तां वड्डी भुल है ना। हुण तुसी बच्चे जानदे हो कि कृष्णपुरी दे असी मालिक बन रहे हाँ। बच्चे दा भी तां माँ बाप नाल प्यार हुंदा है ना। बाबा कहंदे कि बच्चे प्यारे लगदे हन, प्यार सारा बिखर जांदा है। हुण बाप समझाउंदे हन कि तुसी अपने नू शरीर मत समझो, बार बार आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बनो। गौंदे भी हन हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। हुण तुसी समझदे हो कि बाबा आके किवें पावन बनाउंदे हन, ये तुसी जानदे हो। सतयुग विच सिर्फ साडा एक छोटा जिहा झाड़ हुंदा है। तुसी स्वर्ग विच जाओगे, बाकी जो एने खंड हन उसका नाम निशान नहीं होवेगा। सतयुग विच ता सिर्फ छोटा जिहा झाड़ होवेगा, एक ही खंड हुंदा। परम पिता परमात्मा आके हेवन दी स्थापना करदे हन। हुण ता नरक है ना। प्राचीन भारत खंड ही है जिथे देवी देवत्यां दा राज सी, हुण नहीं है। उन्हां दे इत्थे मंदिर हन, चित्र हन, निशानियां रह गई। तां भारत दी गल हुई ना, ये कोई भी भारत वासियां दी बुद्धि विच नहीं आउंदा। हुण तुहानू बच्चियां नू समझाया जांदा है कि घर विच रहो, परंतु ये सेवा करदे रहो। कोई नू भी समझाओ कि तुसी अद्धा कलप दे आशिक हो उस माशुक दी,
ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮਾਸ਼ੁਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਯੋਗ ਤੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਵਰਸਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣੋ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਾ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ। ਹਮ ਜਿਨਸ ਹਨ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਬਣਾਂਗੇ। ਬੱਚੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰ ਪੀਅਰ ਘਰ ਮਨਾ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਹੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਦੁੱਖ ਹਰੋ ਸੁੱਖ ਦਿਉ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਗਾਇਨ ਮਨਾ ਗਾਈਡ ਬਣੋ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਚਾਰੀਏ ਵਰਗ ਵਿਦਵਾਨ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਪ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿਬਰੇਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਬਾਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਕਸ਼ਕ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਚ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਮਹਾਂਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਵੋ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵੋ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਆਉਣ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਈਏ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਦੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੰਸ ਇੱਕ ਬਗੁਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਯਾਦ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੇ ਲਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜੋ ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਬਣੋ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੋੜ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ੁਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ, ਅਸਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨਾਸਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੂਪ ਭਵ। ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੂਪ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨਾਸਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ, ਮਨਾ ਲਗਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਯਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸਕਤੀ ਹੈ, ਮਨਾ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਸਕਤ ਬਣੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਚਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਨਿਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਲਗਾਵ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਰਥ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।